राष्ट्रपति कहकर संबोधित कर उनका सम्मान किया। Insulted the country's president of India. महामहिमंकु अपमान रे कांग्रेस रा सम्मान। कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपति कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। राष्ट्रपति का अपमान को नहीं राजनीतिकरण। It is not a slip of the tongue. It was a deliberate insult. Other lies should not be recorded. कौन कांग्रेस को अड़ुआ आदिवासी राष्ट्रपति? कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान बचा नहीं पा रही। कौन सोनिया को पसंद महिला का अपमान? सोनिया की सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ अ वुमन इन द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। संसद विधानसभा सड़क सबुठी प्रतिवाद। गरीब आदिवासी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उपरे कांग्रेस लोकसभा नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान को नहीं बीजेपी हला बोल। लोकसभा राज्यसभा विधानसभा और सड़क सबुठी नियाबाण बीजेपी सदस्य अधीर का सह सीधा सीधा सोनिया का क्षमा प्रार्थना दाबी करी गर्जी बीजेपी। लोकसभा रे बीजेपी अटैक कमांड धरी केंद्र मंत्री स्मृति इरानी जड़े जनजातीय महिला देशर सर्वोच्च आसन में बसबार देखी कांग्रेस हजम कर स्मृति एथिसह अधीर और सोनिया क्षमा प्रार्थना दावी करी। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। राज्यसभा रे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन कांग्रेस ऊपर धूम बरसी। I demand an apology from the president of the Congress party. सेपरे राज्यसभा अध्यक्ष तथा उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू मध्य घटनार तीव्र निंदा करिसेंती। अब ये होची संसद परिसरर दृश्य। अधीर का मंतव्य विरोध रे गगन पवन कंपाई छंती बीजेपी सांसद। आदिवासी लोक माने जनजाति लोक माने आमे ए पार्टी को प्रत्याख्यान कर सारिछु। आपको फिर प्रत्याख्यान केवल करूनी शास्ति देवु। एपटे विधानसभा अधीर का मंतव्य को नहीं ततला पवन बही। बीजेपी सदस्य माने राष्ट्रपति प्रति अपमानजनक टिप्पणी को नहीं विधानसभा झड़ सृष्टि कर होहल्ला नाराबाजी गृह मुलतवी करपति पर बीजेपी सदस्य माने विधानसभा बाहर हंगामा करपरिक कांग्रेस विधायक दुर्भाग्यजनक सी राष्ट्रपति को ए प्रकार अपशब्द व्यवहार करने माने राष्ट्र को अपशब्द व्यवहार करने संगे सामान बोलिक भावुची। भारतर गणतंत्र अच्छा दुर्भाग्य कथा ये सब जिन कह सेपटे प्रसंग में सफाई रखी क्षमा मांगे मना करपरि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अधीर क्षमा मांगी सारी तेणु यही कांग्रेस डबल स्टैंडर्ड नीति स्पष्ट होता बीजेपी अभियोग करूंगा। ये सदन के अंदर बीजेपी जैसे पखंडियों से दिल्ली गगन विश्वाल भुवनेश्वर दिव्यज्योति महांती अर्गस न्यूज।